वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। इस वीडियो में हम दो स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और दोनों स्टॉक जो है वो फार्मा सेक्टर के स्टॉक है, जिसमें कुछ अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में नेक्स्ट वीक में खास तौर पर मिल सकती है। तो पहले स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि है ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी, एक प्राइस लेवल को ब्रीच किया, उसके बाद अपर साइड के लेवल से रिट्रेसमेंट भी हुई। बट ये जो रिट्रेसमेंट है वो एक एग्जैक्टली प्राइस लेवल तक ही हुई और उसके बाद फिर से स्टॉक ने रैली किया। तो अब इसमें ऑरो फार्मा में जो लेवल है वो आप नोट करके रख सकते हैं एज अ सपोर्ट लेवल्स के तौर पे, जो कि 1001999, 1001 और 999। ये शॉर्ट एक एरिया है जो कि ऑरो फार्मा में एज अ सपोर्ट लेवल के तौर पे वर्क कर रहा है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी उम्मीद है कि ये सपोर्ट लेवल के तौर पे ही वर्क करेगा, जब तक कि इसके बिलो में ब्रेकआउट करके क्लोजिंग नहीं होती है। तो इन लेवल्स को अरबिंदो फार्मा में आप ज़रूर नोट करके रख सकते हैं एज अ सपोर्ट के तौर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर के लेवल से जो गिरावट लगी, ये गिरावट एग्जैक्टली यही लेवल्स पे आके रुक गई। ये कैंडल का भी आप लो देख सकते हैं, एग्जैक्ट अराउंड वही प्राइस लेवल से क्लोजिंग जो है वो ऊपर में जाके हुई। तो अभी भी ये लेवल उसी तरह से वैलिड है, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी आप इसे सपोर्ट लेवल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाली जो स्टॉक है वो है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा में भी एक लेवल ब्रीच हुआ, उसके बाद ऊपर के लेवल ब्रीच होने के बाद एक अच्छी रैली हुई और ये रैली जो है फिर से टर्न बैक हुई, रिट्रेसमेंट लगी। और ये जो रिट्रेसमेंट है वो भी आप देख सकते हैं कि ऊपर के लेवल से यहाँ से गिरावट जो लगी वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो क्योंकि सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो चुका था, तो इसीलिए इसका जो लो लगा वो आप देख सकते हैं 1881.3। तो इसमें जो सपोर्ट लेवल है वो 1877.8, 1862.3, इन लेवल्स को आप नोट करके रख सकते हैं। इसमें जो सपोर्ट लेवल है वो थोड़े दूर के हैं अजंता फार्मा में, बट नेक्स्ट वीक में किसी भी कारण से मार्केट में गिरावट आती है और ये लेवल आपको अगर टेस्ट होते हुए दिखते हैं तो इसको आप फिर से बाइंग लेवल्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लेवल दूर के हैं बट आप ज़रूर इसे नोट करके रखें, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे के लिए पूरी तरह से वैलिड है। किसी भी दिन मार्केट की फ्लक्चुएशन में अगर ये लेवल मिलते हैं तो वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको बेनिफिट दे सकता है। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा दोनों स्टॉक में। और इस तरह के जो एडवांस में लेवल है वो हम अलग अलग स्टॉक में टाइमली डिस्कस करते रहते हैं, जिसका आप बेनिफिट लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।